चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा कार्य करने और शिक्षकों के वेतन आदि मद में केंद्र सरकार से 9184 करोड़ रुपए मिलेंगे। मंगलवार को केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के लिए पेश किए गए 13,993 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त राशि की मंजूरी दी। बीते वित्त वर्ष 2021-2022 में बिहार की ओर से शिक्षा पर 13,142 करोड़ का बजट केंद्र सरकार के सामने रखा गया था। तब केंद्र ने 7800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में इस बार केंद्र सरकार ने 1384 करोड़ रुपए ज्यादा देने की सहमति दी है। हालांकि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन का मसला फंस गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री ने बताया है कि बोर्ड बैठक में केंद्र सरकार ने बिहार में 2500 मिडिल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह बिल्कुल नई स्कीम है जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक चयनित विद्यालयों में कंप्यूटर लैब पर 8.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने शिक्षकों के वेतन मद में केंद्रांश के रूप में 3424 करोड़ रुपए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वहीं 1938 करोड़ रुपए पाठक पुस्तकों और पोशाक समेत आरटीआई के क्रियान्वयन हेतु, 1575 करोड़ रुपए और सिविल वर्क के लिए 517 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी तरह शिक्षा विभाग की ओर से 1118 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई है। वहीं लेकिन इसके विरुद्ध 200 विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक श्रीकांत शास्त्री, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश, मिड डे मील स्कीम के निर्देशक सतीश चंद्र झा और केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय के सचिव अनीता अग्रवाल, संयुक्त निर्देशक मनीष गर्ग, निर्देशक रवि वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। शिक्षकों के वेतन मद में केंद्रांश के रूप में मिलेंगे 3424 करोड़ रुपए, क्वालिटी एजुकेशन पर काम करने हैं तो 1938 करोड़ रुपए मिलेंगे, पाठक पुस्तकों और पोशाक समेत आरटीआई क्रियान्वयन हेतु 1575 करोड़ रुपए की मंजूरी सिविल वर्क के लिए मिली है, वहीं 517 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। देखिए, आपको हमने खबर बताया किस तरीके से बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन देना बना चुनौती। तो आपने देखा बजट पेश हुआ है, जो बजट हमने आपको बताया, पहले बार की बजट की बात कर ले तो पिछले बार से ज्यादा इस बार बजट आया। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।